नमस्कार, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस वर्ष यानी कि 2024-25 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने कक्षा 12 में अनिवार्य हिंदी के लिए क्या पाठ्यक्रम तय किया है। हालांकि जो पूर्ववत है वही है, फिर भी हम उसकी चर्चा करते हैं। इस बार जो प्रश्न पत्र है उसका जो एक प्रश्न पत्र होगा और समय अवधि है परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट की, और प्रश्न पत्र के लिए जो निर्धारित अंक है वो है 80 अंक का, यानी कि 20 अंक है वो आपके 17 अंक के जाएंगे और 80 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा, तो इसका टोटल पूर्णांक हो गया 100 अंक का। ये सारी जानकारी आप जानते हैं। अब इस 80 अंक का जो विभाजन है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अपठित बोध के जो 12 अंक है, यानी कि जो आप अपठित गद्यांश और पद्यांश आते हैं उसके लिए 12 अंक निर्धारित है। गद्यांश और पद्यांश 6-6 नंबर के दो एक एक आएंगे। रचनात्मक लेखन में व्याकरण से संबंधित जो सामग्री है वह आती है और यह 16 अंक का होगा, जैसे निबंध है या जो अन्य जो सामग्री जो पत्र लेखन इत्यादि दे रखी है वो जो सारी सामग्री है वो आपके इसमें रचनात्मक लेखन में आती है और 16 अंक है इसमें। व्यावहारिक व्याकरण की करें तो भाषा या फिर कहें कि इससे संबंधित अन्य अलंकार है या कुछ और सामग्री जो व्याकरण में दे रखी है आपके सिलेबस में, नीचे हम उसकी चर्चा करेंगे, उसका जो अंक भार है वह 8 अंक हैं। तो ये टोटल जो है तीनों ही है, ये तो आपके अपठित के साथ साथ में रचनात्मक लेखन और व्यावहारिक व्याकरण के हैं। अब हमारे पाठ्यपुस्तक में हमारे जो पाठ्यक्रम है वो 2 पाठ्यपुस्तकें शामिल है, पहली है आरोह और दूसरी है वितान। आरोह भाग 2 जो कि कक्षा 12 के लिए हैं, यह 32 अंक के प्रश्न है वो इस पुस्तक से आएंगे, और वितान भाग 2 जो कि कक्षा 12 के लिए हैं इस पुस्तक से 12 अंक के प्रश्न आएंगे। इस प्रकार कुल 80 अंकों का जो विभाजन है वो इस बार इस प्रकार किया गया है। अब हम देखते हैं कि अपठित बोध में क्या आएगा। अपठित बोध की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले अपठित गद्यांश के बारे में बताया गया है। अपठित गद्यांश है यानी कि जो आपने पहले पढ़ा नहीं है वह 6 अंक का आएगा, और अपठित पद्यांश यह भी 6 अंक का आएगा। अपठित का मतलब है जो आपने पढ़ा नहीं है, उस गद्यांश और पद्यांश को पढ़ करके उससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें भी जो प्रश्नों का जो स्तर रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि जो प्रश्न है वो उस सामग्री में से तो आएगी आएंगे, लेकिन गद्यांश और पद्यांश में व्याकरण और काव्य शास्त्र इत्यादि को ध्यान रखते हुए भी उससे संबंधित भी एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं रचनात्मक लेखन की बात करते हैं। रचनात्मक लेखन में निबंध आएगा जिसकी शब्द सीमा 300 शब्द है, ये हमें ध्यान रखना है। 300 शब्दों में हमें निबंध लिखना है और ये विकल्प सहित आएगा, अर्थात हमें 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, और इसका जो अंक भार है वो 5 अंक यानी कि 5 अंक का आपके जो है वो निबंध आएगा। और दूसरे नंबर पर है पत्र व प्रारूप लेखन। इसमें जो ये 5 तरह के दे रखे हैं, पत्र, अर्धशासकीय पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन और अधिसूचना, ये भी विकल्प सहित है वो आपसे पूछे जाएंगे, और 4 अंक के जो प्रश्न है वो यहाँ से आएंगे। ये सीधा सीधा न पूछ करके, और इससे कई बार जो इसके अंदर से जो छोटे छोटे सवाल बनते हैं वो पूछे जाते हैं, सीधे तौर पे इसके नहीं पूछा जाता कि भई आप एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिखिए। इस अर्थशास्त्रीय पत्र को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या कौन सी सामग्री कहाँ पर उचित है, उसका स्थान नियत है, उससे संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। और 3 नंबर विकल्प की बात करें तो है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित 2 बहुचयात्मक एवं 1 लघुतरात्मक प्रश्न। इसकी जो शब्द सीमा है वो 40 से 45 शब्द है और 4 अंक की पूछे जाएंगे। यह हमारी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक है, उस पर आधारित है। और 4 नंबर पर रचनात्मक लेखन में आता है फीचर लेखन या इसे आलेख भी कहते हैं। इसकी शब्द सीमा 100 शब्द हैं और यह 3 अंक का पूछा जाएगा। तो कुल इस तरह से ये 16 अंक के जो है रचनात्मक लेखन से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं व्यावहारिक व्याकरण की। व्यावहारिक व्याकरण में बात करें तो इसमें 2 बहुचयात्मक प्रश्न और 6 रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न आएंगे। तो रिक्त स्थान के जो 6 प्रश्न है वो 6 के 6 प्रश्न है वो व्याकरण से ही आने हैं। तो इसमें जो पहला जो है वो भाषा, व्याकरण और लिपि का है, ये तीनों टॉपिक है इसी एक में, और ये 2 अंक का जो अंक जो प्रश्न है वो आपके आएंगे व्यावहारिक व्याकरण के इस टॉपिक से। शब्द शक्ति भी 2 अंक की है। अलंकार में जो ये नियत अलंकार हैं, अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, विभावना, संदेह, भ्रांतिमान,
इन अलंकारों को आपको पढ़ना है और यहीं से सवाल आएंगे, और सवाल आने की जो प्रकृति है वो इस प्रकार है कि या तो आपको सीधे तौर से पूछ लिया जाएगा कि इस अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है, या आपको पूछ लिया जाएगा एक उदाहरण दे करके कि यह उदाहरण है वो किस अलंकार का है, और या फिर पूछ लिया जाएगा कि वक्रोक्ति अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो इस तीन तरह के जो सवाल आए हैं वो आते हैं यहाँ से अलंकार से, तो इसे भी आप ध्यान रखें। और पारिभाषिक शब्दावली ये दो अंक की है, इसमें लगभग चार शब्द हैं वो पूछे जाते हैं, और दो कई बार दो पूछे जाते हैं और कई बार चार शब्द पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिंदी वर्ड कोई दे करके और कह दिया जाएगा कि इसका जो है वो आप अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली में क्या शब्द होता है वो लिखिए, और या फिर आपको अंग्रेजी शब्द दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसका हिंदी है वो पारिभाषिक शब्द क्या है। तो इस तरह का जो सवाल है वो आएंगे। अब हम खंड तीन में बात करते हैं आरोह पुस्तक की। ये 32 अंक की है और इसमें सबसे पहले एक सहप्रसंग व्याख्या आएगी गद्य भाग से, जो कि 6 अंक की है और 6 प्रश्न इसके आएंगे, और एक व्याख्या आएगी पद्य भाग से, इसके भी 6 अंक हैं और 6 प्रश्न ही आने वाले हैं। अब तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि किसी एक कवि या लेखक का परिचय पूछा जाएगा विकल्प सहित, यानी कि आपको ऑप्शन में दिया जाएगा अथवा में दिया जाएगा कि भाई या तो इसके बारे में लिखिए या इसके बारे में लिखिए। तो कोई लेखक या कवि आप उसके बारे में आपको उसका जो परिचय है, परिचय भी दो तरह का होता है, एक तो इनका संपूर्ण परिचय जिसमें इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आता है, और एक पूछा जाता है कि इनका साहित्यिक परिचय लिखिए या इनका व्यक्तिगत परिचय लिखिए। तो जो प्रश्न की प्रकृति होती है उसके अनुसार हमें उत्तर देना है, और शब्द सीमा है 80 से 100 शब्दों के बीच में, और 4 अंक का ये प्रश्न आने वाला है। अब हम चौथे बिंदु पर चर्चा करें तो प्रश्नोत्तर गद्य भाग से 3 बहुचयात्मक प्रश्न, 1 लघु उत्तरात्मक प्रश्न और विकल्प सहित 1 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। तो बहुचयात्मक, लघु उत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक, ये जो बड़े प्रश्न में ये विशेषता है कि उसमें अथवा में प्रश्न आएगा। ये टोटल 8 अंक का होगा, और ये गद्य भाग का था, और पद्य भाग में भी इसी प्रकार है, 3 बहुचयात्मक और 1 लघु उत्तरात्मक और 1 दीर्घ उत्तरात्मक आएगा, वह अथवा में आएगा, ये भी 8 अंक का। तो कुल मिलाकर के ये 16 अंक के जो सीधे प्रश्न आ रहे हैं, 4 अंक का कवि या लेखक का परिचय और 12 अंक की व्याख्या, इस तरह से कुल है वो 32 अंक के जो प्रश्न है वो आरोह पुस्तक से आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं विधान भाग दो की। ये 12 अंक की है और इसमें 2 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे विकल्प सहित, मतलब हमें अथवा में ये प्रश्न आएंगे जिसकी शब्द सीमा 60 से 80 शब्द है और अंक 12 इसका 6 अंक है, और 2 बहुचयात्मक प्रश्न आएंगे और 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, यह 6 अंक के होंगे। तो इस प्रकार से यह जो है 80 अंक का जो है पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार से निर्धारित किया गया है, और इसी को ध्यान रखते हुए जो प्रश्न पत्र है उसका निर्माण किया जाएगा। हमारे जो पाठ्यक्रम में जो पाठ्य पुस्तकें निर्धारित हैं वो हैं आरोह भाग 2, वितान भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम। ये सारी NCERT की प्रतिलिपि है, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तैयार की है, यानी कि जो पुस्तक NCERT की है वही पुस्तक वो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, लागू की गई है। उम्मीद है ये पाठ्यक्रम है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इस पाठ्यक्रम से संबंधित कोई आपके जहन में प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट करें और मैं आपका जो यथा समय है वो उत्तर देने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो की जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, साथ ही इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक है वो इस जानकारी को हम साझा कर सकें। जय हिंद।